अब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी मोबाइल के द्वारा होता है, तो मोबाइल से दूर रहो ऐसा कह ही नहीं सकते। बच्चों के पास भी दो दो होते हैं और उसमें कंटेंट डालने वाले लोग भी हैं, और वो कंटेंट तो डालते हैं, और मोबाइल यंत्र है, इंटरनेट एक यांत्रिक अवस्था है, यांत्रिक व्यवस्था है, उसमें से जो आता है उस लेने वाले का स्तर क्या है, उसकी बुद्धि क्या है, वो पचा सकता है कि नहीं, ये देखने की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे यहां कहते हैं कि विक्रम सिंहासन पर चढ़ने गया तो 32 की कथा है, हर कदम पैड़ी पर रखते समय एक वहां की गुड़िया खड़ी हो गई और उसने कहा कि तुम पैर रख रहे हो लेकिन विचार करो, ये उसका है, उसने ऐसा ऐसा किया था, तुम्हारी ताकत है क्या? ऐसा कोई पूछने की व्यवस्था ही नहीं है। आता है जो खोलता है उसको मिल जाता है, उसकी बुद्धि कुछ भी हो, उसकी आयु कुछ भी हो, और उसका किसी का चेक नहीं है। वो कानून बनेंगे उसमें देर लगेगी, तब तक हम क्या करें? हम अपने पाल्यों की विवेक बुद्धि बढ़ाएं, हम अपने घर का वातावरण ऐसा बनाएं कि उसमें देखने की इच्छा ही ना हो। संस्कार बचाते हैं आदमी को। मदन मोहन मालवीय जी के बचपन की कहानी है, कुछ 12-14 वर्ष के थे, उनके आत्मचरित्र में उन्होंने खुद लिखी है। तो घर के छत पर गए, सामने के घर का आंगन दिख रहा था, यानी पीछे वाला आंगन, तो छत पर गए, वहां उस घर की एक युवती कपड़े बदल रही थी, इन्होंने कदम रखा, वो देखा और तुरंत लौट गए, नीचे आए और माताजी को कहा आज बहुत बड़ी गलती मेरे से हो गई, मैं छत पर गया वहां और वो पड़ोसी युवती उसको देखा मैंने, तो ये बहुत बड़ी गलती हुई। तो माताजी ने, तुम उसको देखने के लिए गए थे? तो बोले नहीं, मुझे क्या पता, वो कपड़े बदल रही थी वहां पे, मैंने तो एक कदम रखा, एक नजर पड़ी, मैं उल्टे पैर लौट आया। तो माताजी ने कहा फिर तुमको पाप नहीं है, तुम देखने के लिए नहीं गए थे? बोले देखने के लिए मैं नहीं गया था, लेकिन ये हो तो गया, आंखों को एक नमूना तो मिल गया, इसलिए इसका मैं प्रायश्चित करूंगा। दूसरे दिन उसी समय तक निर्जल उपवास उन्होंने रखा। वो कहते हैं कि 10 साल की आयु से मेरे हाथ से होने वाली छोटी बड़ी हर प्रकार की गलती या सही बात मैं माताजी को बताता था, और गलतियों का प्रायश्चित अगर हुई है तो लिए बिना नहीं रहता था। ये बचपन से मैंने आदत बना ली, मेरी माताजी के जाते तक वो कायम रही।